देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे थे। इस दौरान अपने एक बयान को लेकर कुमार विश्वास आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अपनी बातों के दौरान कुमार विश्वास ने वामपंथी और आरएसएस दोनों पर तंज किया है। माना जा रहा है कि कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कहा। विवाद बढ़ने के बाद कुमार विश्वास ने अपने बयान के लिए लोगों से माफी भी मांगी है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है और मंगलवार को हुए रामकथा के दौरान कुमार विश्वास भी मौजूद थे। मंगलवार को हुए उनके भाषण का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी रामकथा में कुमार विश्वास ने एक बच्चे का जिक्र किया जो आरएसएस से जुड़ा था और उसने बजट के बारे में पूछा था, जिस पर कुमार विश्वास ने जवाब दिया कि बजट राम राज्य की तरह होना चाहिए। इस पर जब बच्चे ने पूछा कि राम राज्य में बजट कहाँ होता था, इस पर कुमार विश्वास ने कहा कि वामपंथी कुपढ़ है, यानी उन्होंने जो पढ़ा है वह गलत पढ़ा है, वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम अनपढ़ हो। कुमार विश्वास ने कहा कि वामपंथियों ने सब कुछ पढ़ा लेकिन जो पढ़ाई उन्होंने की उनमें काफी गलतियां हैं और एक ये है कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये बात करते हैं वेदों की लेकिन खुद नहीं पढ़ा है। उनके इस वक्तव्य का बीजेपी ने विरोध किया और कुमार विश्वास के पोस्टर पर काली खपोती तो कहीं पर पोस्टर को फाड़ दिया गया। बात आगे बिगड़ी तो कुमार विश्वास ने वीडियो जारी कर माफी मांगी, लेकिन उनकी माफी में भी लग रहा है कि वो अपने विचार और अपने बयान पर काफी अड़िग है। शब्द शहद की तरह मीठी भी होती है लेकिन तलवार की तरह चोट भी कर सकती है। देखने वाली बात यह है कि कुमार विश्वास इससे कितना सीखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे जुबली।